हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की अपडेटेड प्राइस लिस्ट के बारे में। दोस्तों, कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस को लेके। दोस्तों, फाइनेंस भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कितना ईएमआई आपको आने वाला है, कितना डाउन पेमेंट आपको करना है, एंड दोस्तों कितना आपको एक्स्ट्रा ऑन रोड प्राइस के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। एंड ये वीडियो में ना कुछ थोड़ा डेप्थ में डिटेल देने वाला हूँ प्राइसिंग के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि सारी जो डिटेल है ना प्राइसिंग के रिगार्डिंग, चाहे आप कैश में बाय कर रहे हों, चाहे आप फाइनेंस करवा रहे हों, वो सारी डिटेलिंग आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। बूंद बूंद दरिया में आके मिल, घाट घाट तू ढूंढे अपना दिल, तेरा भी तो सपना है, कोई तेरा अपना है, आज फिर तू खुद से आके मिल। हाय गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एंड दोस्तों कई लोग जो है ना बैटिंग कर रहे हैं और कई लोग अच्छे से फोरकास्ट भी कर लेते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे साइट के बारे में जिससे कि आप डेली घर बैठे बैठे जो है ना पैसे जो है वो जीत सकते हैं। एंड दोस्तों, जो साइट का नाम है ना वो है फोराबिट। एंड दोस्तों, फोराबिट ऐसा साइट है जिससे कि आप इजिली जो है कसिनो में, मैच में या फिर गेम जीत जीत के पैसे जो है घर बैठे बैठे इजिली कमा सकते हैं। एंड इसका एक बेस्ट फीचर है कि दोस्तों आपको इसमें विड्रॉल या फिर डिपॉजिट जो है ना पेटीएम के थ्रू ही कर सकते हैं इजीली। वन क्लिक में आपका जो पैसा है, जो भी आपने विनिंग अमाउंट है, वो आपके पेटीएम में आ जाएगा। एंड आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाना है दोस्तों। एंड नॉमिनल अमाउंट से आप स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट अमाउंट जो है 300 रुपीज है। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अगर उस लिंक से आप रजिस्टर करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको दोस्तों बोनस भी साथ में मिलता है, जिसको आप क्रिकेट मैच बैटिंग या फिर आप गेम्स में इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां आपको अपना जो लक है ना वो आजमाने का पूरा मौका मिलता है, तो बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, जितने भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे अपना फाइनेंस जो है कैलकुलेट करें, कि कैसे क्या ईएमआई आएगा, क्या लोन होगा, क्या डाउन पेमेंट होगा, वो थोड़ा टेंटेटिव डिटेल देख लेते हैं। कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर जो हैं ईएमआई कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा जहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल दोस्तों, रॉयल एनफील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं क्लासिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्लासिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बुलेट पे भी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है आपको स्टेप। इसमें भी मैं गन मेटल ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पोक व्हील्स वाला। तो जो ऑन रोड प्राइस है 1.94 दिखा रहा है इसके अंदर, जिसमें सिर्फ आरटीओ इंश्योरेंस होगा, बाकी एएमसी और एसेसरीज ये सब इसके अंदर नहीं होता है, तो इसके लिए प्राइसिंग थोड़ा कम लग रहा होगा। तो दोस्तों, डाउन पेमेंट की अगर बात करें तो डाउन पेमेंट नॉर्मली जो बैंक डिमांड करती है, नॉर्मल अमाउंट बता रहा हूँ, बैंक टू बैंक ये भी वेरी करता है, 40,000 के आसपास तो नॉर्मली होता ही है, इससे कम भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 12% नॉर्मली हम ले लेते हैं, अभी मैंने जैसे मैंने देखा अपडेट था कि 12% के आसपास होता है, अगेन ये भी बैंक टू बैंक वेरी होता है, ठीक है, अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ऑफर्स होते हैं, डिमांड्स होती हैं, और मॉडल्स के हिसाब से निकाला जाता है। तो हम एग्जांपल के लिए 12% ले लेते हैं। उसके बाद लोन पीरियड होता है दोस्तों, आप 1 साल के लिए कराना चाहते हैं, 2 साल के लिए कराना चाहते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ, 2 साल या 3 साल में इस लोन को ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा जो आपका जो एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ता है ना ऑन रोड प्राइस के ऊपर जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले 24 मंथ्स में देख लेते हैं कितना आपका ईएमआई आएगा। तो दोस्तों, ईएमआई जो आता है आपका 7,975 है, एंड जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो 37,000 के आसपास एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आप सामने देख रहे हैं कि कितना आपका ऑन रोड प्राइस बन रहा है, लोन अमाउंट कितना आपका बन रहा था, टोटल पेबल आपने कितना किया, वो सारी डिटेल दिख रही है। अभी 36 मंथ्स में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें आपका ईएमआई जो है, मंथली ईएमआई जो है वो कम हो गया, 5,831 हो गया, बट आपका एक्स्ट्रा पे जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जो 12% बोला है वो पर एनम होता है, तो जितना आप ईयर इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपका जो है एक्स्ट्रा पे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन आप समझ गए होंगे क्यों मैं आपको 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स में बोल रहा हूँ, कि ये जो आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना, स्टार्टिंग में तो सही लग रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा बाइक का जो है कॉस्ट वो पे करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दीजिएगा, आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से आप देखते हैं मॉडल वाइज प्राइस लिस्ट। We'll be right back.
आई होप दोस्तों आपको नई जो प्राइस लिस्ट है वो टोटली क्लियर हो चुकी होगी। इसमें एक्स शोरूम प्राइस जो है ऑलमोस्ट सब शोरूम के सेम ही होते हैं, सिर्फ जो वेरी करता है वो ऑन रोड प्राइस है, बिकॉज टैक्सेस जो होते हैं आरटीओ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसके वजह से प्राइस जो है वो वेरी करता है ऑन रोड प्राइस। एंड दोस्तों ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको आइडिया हो चुका है, जिसको आप घर में बैठे बैठे इजीली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ वीडियो का एंड करते हैं, फिर भी कोई डाउट एंड क्वारी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है। ख्याल रखें, ध्यान रखें और देखते रहिए ब्लॉग ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।